हर हर महादेव। कई लोग पूछ रहे हैं, जैसे कुछ दिन पहले एक संस्था की तरफ से वीडियो प्रसारित तो हुई थी, जिसमें कहा गया था कि क्षत्रिय और वैश्यों के गोत्र क्या हैं, इसका निर्णय बतलाया गया था। तो कई महापुरुषों के संदेश आए हैं कि भाई अब हम किस प्रकार, कौन से पुरोहित का वर्ण करें, अब कौन से पुरोहित योग्य हैं जिनको अपनी शाखा शिखा का ज्ञान हो, गोत्र प्रवर का ज्ञान हो, कैसे पता चले हमारे पुरोहित कौन है, कैसे पता चले। तो देखिए इसका समाधान देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल पतन ब्राह्मणों में ही हुआ है, सभी जातियों में हुआ है और बहुत तीव्रता से हुआ है। अब कोई लोग माने न माने, जाने न जाने, वो उनकी खुद की अज्ञानता है। देखें ब्राह्मण लोग आजकल वेदाध्ययन इत्यादि नहीं कर रहे हैं, इसमें ब्राह्मणों का तो दोष है ही, क्षत्रिय वैश्यों का भी दोष है। आप लोग एक ऐसा परंपरा बना लिए हैं कि गुरु बनाएंगे, कथा करवाएंगे, तो भागवत की कथा करवा रहे हो और 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए दे रहे हो और उनका लाइव चलवा रहे हो, 14 लाख 15 लाख रुपए करोड़ों रुपए खत्म कर दे रहे हो कथा करवा करके, और हमारे गुरु हैं उनको आश्रम बनवा ये दे वो दो, गुरु को बर्बाद कर दिया। और वे गुरु भी कह चाहते ही हैं, वो भी मरने ही लायक है, इसी काम लायक है, वो जो है भ्रष्टाचारी, दुराचारी है ना, पापाचारी, अत्याचारी जो है वो भी पाखंड के कारण गुरु बने बैठे हैं, इस बात में कोई संकोच नहीं है और ना ही कोई ये गलत है, ये यथार्थ है। तो उन लोगों को इतना पैसा देते हो आप लोग अपनी गाड़ी कमाई का, लिखा हुआ है कि किसी भी महात्मा को उसके भोजन के अलावा, यहां तक लिखा है याज्ञवल्क्य स्मृति में तो, और जो इनकी जो टीका है मिताक्षरा उसमें, कि कितनी भिक्षा दे, बोले ग्रासमयी, एक ग्रासमयी भिक्षा होनी चाहिए। कोई भी महात्मा विरक्त इत्यादि मांगने आते हैं भिक्षा, तो एक रोटी जितनी बन सके उतना एक ग्रास मने इतना भिक्षा दे, नहीं तो चलो भोजन किसी को भी करवा दे, में ज्यादा देने का नहीं है। न तो लिखा हुआ है दाता पे नरकम ब्रजेत, यदि उनको कोई धन देता है, सोना देता है, पात्र देता है, धातु देता है, कोई ऐसी स्थायी वस्तु देता है, तो देने वाला भी नरक में जाता है। इस परंतु वहां आपका संकोच नहीं रहा। अगर कोई वास्तव में गरीब है, कोई किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा है, किसी गरीब को इतना जो है रोग है कि रोग के कारण वो मर जाता है, यदि कोई मांगता है कहता है आप 10 रुपए नहीं देते हो और उनको 10-10 करोड़ दे देते हो, ये वैश्यों की गलती नहीं है, इसको विचार नहीं करोगे? अगर आप अपने पुरोहित के लिए, अगर आप सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, तो 500 रुपए 1000 रुपए 1100 रुपए देते हो, है ना, वो भी बड़े मुश्किल से। अरे इतना नहीं होगा, विवाह पढ़ने के लिए आप किसी ऐसे ही धूर्त को रख लेते हो, जल्दी करवाओ जल्दी करवाओ, और 200-500 हजार 2000 10000 रुपए दिए, बस हो गया विवाह। और अगर कथा करवा रहे हो, कोई और कार्य करवा रहे हो अपने गुरु के लिए, और ये बनवा लिए, ये खड़ लिए जहां शास्त्रीय कार्य हो रहा है, और अपने नाम के लिए, और लाखों रुपए फूंक रहे। अगर आप अपने पुरोहित का त्राण किए होते, कहते कि भाई आप अपने बालक को पढ़ाइए, हम इनसे जो है कार्य कराएंगे, या उनको संतुष्ट रखते। आजकल ब्राह्मण लोग भी अपने पुत्रों को वेदाध्ययन नहीं करा रहे, क्योंकि कई लोग हमको पूछते हैं कि भाई इससे क्या जीविका मिलेगी, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि कोई भी इससे कुछ कार्य कराएगा, क्योंकि जब तक वो ठगाई नहीं सीखेगा, दूसरे को फंसाने की क्रिया नहीं सीखेगा, और ये कथा का एक आडंबर नहीं करेगा, ढोंग नहीं करेगा, जो आप चाहते इस तरीके से नृत्य गान इत्यादि करके अश्लील कृत्य नहीं करेगा, शास्त्रीय कृत्य नहीं करेगा, तब तक आप कुछ देंगे नहीं। तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, सब नाचना सीख रहे हैं। हमारे पास आते हैं विद्यार्थी पढ़ने के लिए, बोले गुरु जी भागवत कितने बजे से पढ़ाते हो, भागवत पढ़ा दो। अब इसमें कोई ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण इतर लोग भी प्रवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि कथा में इतनी लूट है, इतना पैसा मिल जाता है। बच्चियां भी आ रही हैं, कई कन्याएं बहनें आती हैं, उनके पिताओं को मैंने समझाया कि भाई इसकी क्यों जो है जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो शास्त्रीय कृत्य करा करके। कुछ लोग मान गए, कुछ लोग जो है नहीं माने, संबुदीन उपदेश है तो नहीं नारद है सुमान, तो ये स्थिति चल रही है।
तो इसमें आप भी कारण हैं, आप भी इसके जो है कारक हैं। इसलिए क्षत्रिय वैश्यों ने या और लोगों ने, मुख्य रूप से वैश्यों ने, ये अयोग्य पुरुषों को धन दे करके, शास्त्रीय कृत्य में धन दे करके उन लोगों को वहां प्रवृत्त कर दिया कि जो भी लोग हैं तो बस देखो सो कथा करने को तैयार है ना। तो जो भी ब्राह्मण बालक है वो अपनी शाखा का अध्ययन नहीं करते, यहां तक उनको अपने गोत्र का पता नहीं है, अपनी शाखा का पता नहीं है, अध्ययन क्या कर। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें जो वेद की शाखा हमारी पढ़ाई और हमारी गुरु दक्षिणा क्या मांगी थी पता है? मैंने कुछ दक्षिणा नहीं दी, मैं देने लायक क्या था। उनकी गुरुदक्षिणा यही थी कि अपने जैसे 10 लोगों को तैयार करो, यानी वेद की शाखा 10 लोगों को पढ़ाओ, जो हमने जो अग्नि सूत्र श्रौत सूत्र आदि पढ़ाए ये भी आप अपने 10 लोगों को पढ़ाओ, और ये जो है व्याकरण इत्यादि 10 लोगों को पढ़ा करके तैयार करिए, कम से कम 10 लोगों को। तो अभी कोई कहीं तक पढ़ता है चला जाता है, कहीं तक पढ़ता है चला जाता है, व्याकरण के एक आध दो पूरे हुए हैं लघु सिद्धांत, वो भी बाकी का अभी वेद का एक भी पूरा नहीं हुआ है, कोई पढ़ने को नहीं आ रहा। हमें तो चाहिए कि कोई ब्राह्मण बालक निस्वार्थ अपनी वेद की शाखा पढ़े, मैं उसको पढ़ाऊं, हमारे ऊपर तो दायित्व है, हमको निभाना है, गुरुदक्षिणा देनी है। ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण ही बालक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी पढ़े, तीनों ही पढ़ते थे, लेकिन आप तो उपनयन भी नहीं करा रहे हैं अपना, और कहते हैं हमें तो जो है हमको हमारा गोत्र क्या होगा। पहले तो आप किसी योग्य पुरुष को अपना आचार्य गुरु बनाइए और उनसे उपनयन करवाइए और फिर अपनी वेद की शाखा का अध्ययन करिए, तब आपको पता चलेगा क्या है। देखिए आप अपने बच्चों से जो वैश्यों के प्राय, बात वैश्यों की चल रही है कि वे केवल जो उनके पिता का धंधा है, जो बिजनेस है, जो भी कहें आप व्यवसाय है, उसी व्यवसाय को इतना बढ़ा दिया है कि उनके पुत्र आज भी उसी को करते हैं, ऐसा ही देखा जा रहा है। जो पिता की दुकान, जो भी कार्य है, कई कार्य हैं, उनको उनके पुत्र भी संभालते हैं आगे, और वो सब जन्मजात भी उनको पता होता है ये कैसे होगा क्या होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जब जीविका बनी हुई है, सब व्यवस्था बनी हुई है, तो क्यों नहीं वेद पढ़ लेते हैं? वेद पढ़िए, अपना अध्ययन करिए, और करने के बाद संध्या वंदन करने के बाद अपने अपने धंधे पे जाइए, वो तो आपको पता ही है कैसे करना है क्या चलाना है। तो क्यों ये सब इनका अकबर बाबर का इनका इतिहास पढ़ने के लिए वहां जाते हो? क्यों जो है बालक की 20 साल बर्बाद करते हो उनका उपनयन करा करके? अपनी जो शिक्षा है, जो विरासत है, जो आपकी विद्या है, जो आपका वहां भी कल्याण करेगी और परलोक में भी कल्याण करेगी और उन माता पिताओं का भी कल्याण करेगी, ऐसे पुत्रों को प्रकट किया है। इसलिए अपने पुत्रों को पहले अध्ययन कराइए। ये केवल ब्राह्मणों के ऊपर दायित्व नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य लोग भी इसका अध्ययन करें। हाँ, और फिर उसका उपयोग जो करना है वो ब्राह्मणों के ऊपर तो मुख्य जिम्मेदारी है ही, पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। आप जो चाहे वो करें, अपना गोत्र भूल गए, शिखा भूल गए, प्रवर भूल गए, शाखा भूल गए, पुरोहित भूल गए, अपना कर्तव्य भूल गए, केवल पैसा केवल पैसा केवल पैसा, ये कल्याणकारी नहीं है, ये जाति बर्बाद कर देगा। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही वेदों का अध्ययन करें और उनका पालन करें और लोगों को प्रोत्साहित करें कि ताकि लोग पढ़ें, ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए जो है व्यवस्था करें, वेदाध्ययन करने वाले को जो आवश्यकता है वो देवें, और अपने अपने पुरोहितों के बालकों को आप अपने बालकों की तरह ही उनको भी वेदाध्ययन पढ़ाने के लिए नियुक्त करें और उनका खर्चा वहन करें, क्योंकि वो आपके ही काम में आने वाले हैं। जो आपका पुरोहित का बालक जितना विद्वान होगा, जितना ज्ञानवान और कीर्तिमान तपस्वी होगा, तो वो आपके ही कार्य आएगा, आपके यहाँ उस तरीके से कार्य करवाएगा जिसका प्रतिफल फल परिणाम आपको ही प्राप्त होगा। इसलिए इन कार्यों को करें तो आगे लोग भी, लोगों को लगेगा देखिए वेदाध्ययन जो कर लेते हैं, अपने घर में वेदों का पाठ करवाएं कि हमारी ये शाखा है, इस शाखा का हमारे घर में पाठ होना चाहिए, अपनी शाखा का ज्ञान रखिए और अपनी अपनी शाखा का पाठ साल में एक बार अपने घर में अवश्य कराएं। जो वेदों के
बाद आता है नंबर श्रुति के बाद स्मृतियों का, और स्मृतियों के बाद तंत्र आदि का, और तब फिर नंबर है पुराण का। तंत्रों को आगम कहा गया है, वेदों को निगम कहा गया है। तो निगम और फिर आगम, स्मृति और फिर षड दर्शन है, और इनसे पुराणों से पहले वेदों के वेदांग है, वेद वेदांग, फिर स्मृति आगम षड दर्शन, तब पुराणों का नंबर है। तो जिन पुराणों का भागवत इत्यादि का पाठ का इतना महात्म्य है, आप लोग कराते हैं सुनते हैं कथा सुनते हैं, तो इनके ही पिता वेद हैं, उनका कितना महात्म्य होगा, वो आपकी खुद की शाखाएं होगी। लिखा हुआ सुशाखाध्याय श्रोत्रिय, वेदों की ध्वनि भी जहां पड़ जाती है कणकण पवित्र हो जाता है। तो आप जिन जिनकी जो जो शाखा है उसका पता करिए, नहीं तो अपने पुरोहित की जो शाखा है वही आपकी शाखा है। तो वेदों का पाठ आप अपने अपने घर में वर्ष में एक बार अवश्य कराएं, तो ब्राह्मणों को लगेगा वेदों का पाठ होता है तो हम लोग भी पढ़ें, वो तैयार होंगे और करेंगे। जिस तरीके से आजकल कथा, अब तो लोग भक्तमाल करवा रहे हैं, जिसका तो बहुत दूर तक हिसाब ही नहीं है। कह देने वाले तो जो है, अब जो सही बात कहे वो अपराधी। स्थिति ये बन गई है सनातन धर्म में कि जो सही बात कहे वो अपराधी। सही बात कहे, अरे ये तो सब जो है लोगों को बिखेरना चाहते हैं। जब जाति हटा करके, सनातन धर्म को मैट करके, वर्ण को हटा करके, चाहे रोटी बेटी की मर्यादा को हटा करके, सनातन धर्म बचेगा? और जो लोग सनातन धर्म का नाम ले रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म को मान नहीं रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं जो लोग, वे सनातन धर्म के रक्षक नहीं भक्षक हैं। इनसे सावधान रहिए। इसलिए धर्म क्या है इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आप लोग भी इसमें अग्रसर हों, अध्ययन करें और लोगों को अध्ययन करने में प्रवृत्त करें। इसी में सनातन धर्म की रक्षा है और आपका भी कल्याण है। हर हर महादेव।